गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमने लास्ट टाइम जो था हमने लास्ट वीडियो में 12 चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने जो है उसमें ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के फूड्स जो हैं हम ईट करते हैं और उनमें हम डिफरेंट टाइप के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, रफेज, मिनरल्स, ये सारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स हमें डिफरेंट टाइप के फूड से या मिलते हैं। अब हमने जो है आगे रीड करना है, नेक्स्ट पार्ट है, आगे देखो। After school, Kirat went with his friends to the fields carrying tea for his father and lemonade for his uncle. School के बाद Kirat जो था अपने friends के साथ जो है field में गया अपने father के लिए चाय लेके और अपने uncle के लिए lemonade लेके। Who were harvesting wheat? जो थे wheat को harvest कर रहे थे वो दोनों वहाँ पे। He started chewing wheat seed. In the fields, suddenly he started shouting in amazement. He felt as if wheat seeds have become sweet. उसने क्या किया, एकदम से wheat seeds को खेतों में जाके खाना शुरू कर दिया। एकदम से उसने क्या shout किया excitement में। उसने क्या देखा कि जो wheat seeds हैं उनका taste जो है वो मीठा हो गया। His father told that when we chew grain or bread in our mouth, then it mix with the saliva with the help of our tongue and teeth. उसके फादर ने बताया कि जब हम grains या bread को mouth में चबाते हैं, मुँह में चबाते हैं, तो ये हमारे saliva के साथ mix हो जाता है। ठीक है जी, saliva converts the chewed food into glucose. और जो saliva होता है वो चबाए हुए खाने को mix करके क्या बना देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो द फूड टेस्ट स्वीट, इसीलिए फूड का टेस्ट स्वीट हो जाता है क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका टेस्ट भी मीठा होता है। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज जो है एक टाइप की शुगर है दैट इज़ ईजिली ऑब्जर्व, जिसको हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लेयर्स टेक ग्लूकोज पाउडर वाई प्लेइंग सो दैट दे मे गेट एनर्जी टू प्ले कॉन्टीन्यूसली। प्लेयर्स जो हैं खेलने के टाइम पे कहता है ग्लूकोज पाउडर लेते हैं ताकि उन्हें खेलने टाइम कॉन्टीन्यूसली एनर्जी मिलती रहे। सो वेन एवर यू फील टायर्ड, इसीलिए जब भी आप थका हुआ महसूस करें, यू कैन ड्रिंक लेमोनॉइड बाई मिक्सिंग अ लिटिल शुगर सॉल्ट एंड लेमन जूस। तो उसने क्या करो, लेमोनॉइड जूस पी लो। क्या ऐड करना उसके लिए आपको, शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस, जैसे आप घर पे नींबू पानी बनाते हो वही। कीरत सेड नाउ आई कम टू नो व्हाई माय अंकल ड्रिंक्स लेमोनॉइड। इस पे कीरत ने कहा कि अब मुझे समझ आया मेरे अंकल लेमोनॉइड क्यों पीते हैं। आगे है बेटा, डू यू नो हाउ फूड इज डाइजेस्टेड। अब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट वो क्या था कि डाइजेस्ट, फूड डाइजेस्ट कैसे होता है हमने, तो हमने इस डायग्राम में, इस पैराग्राफ में वही सीख रहे हैं। फूड गेट्स सॉफ्ट इन द माउथ। फूड माउथ में सॉफ्ट होता है जब हम बाइट लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो जब हम उसको चबाते जाते हैं माउथ में तो वो सॉफ्ट हो जाता है धीरे धीरे। एंड रीचेज द लीवर, और फिर लीवर तक पहुंचता है किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। देखो जी ये हमारा माउथ है, ठीक है, जब हम उसमें खाना चबाते हैं तो ये फूड पाइप के थ्रू हमारे लीवर में पहुँचता है। गैस्ट्रिक जूसेज मिक्सड विद एसिड, कौन सा एसिड, HCl एसिड। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस जो होंगे वो HCl एसिड के साथ मिक्स होके सेंड इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस इस खाने को फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाती है। जूस फ्रॉम द गैल ब्लैडर मेक्स द फूड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेबल। फिर जो गैल ब्लैडर से जूस निकलेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को डाइजेस्टेबल बनाएगा। डाइजेस्टेबल मतलब पचाने लायक बनाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जितने भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन उनको ऑब्जर्व कर लेगी खाने में से। हेयर फूड मिक्स्ड विद ब्लड रिचेज अदर ऑर्गन्स, और फिर यहाँ पे आकर खाना जो है ब्लड के साथ मिक्स होके बाकी ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन ओनली ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक क्या ऑब्जर्व होगा, पानी ऑब्जर्व होगा खाने में से। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, और जो बचा हुआ खाना होगा जो हमें नहीं पचा, जो अनडाइजेस्ट रह गया, वो एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू एनस, एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये आपको उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स बताए हैं। ठीक है जी, ये हमारी टंग, माउथ, इन सब की हेल्प से खाना जो है, एक माउथ की हेल्प से हम जब चबाते हैं तो हमारे फूड पाइप के थ्रू आया लीवर तक। लीवर के बाद वो जो है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होकर पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फिर जो है गैल ब्लैडर का जूस होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिक्स खाने को मिक्स करेगा और हमें खाना जो है वो डाइजेस्टेबल बना देगा। फिर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऑब्जर्व हो जाएंगे और बाकी फूड जो है ब्लड के साथ मिक्स होकर बाकी ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। फिर जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी ऑब्जर्व होगा और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे बाहर निकलता है। लिसनिंग टू फादर टॉक, कीरत सेड दैट हिज स्टमक वॉज एकिंग। पापा की बातें सुनने के बाद कीरत ने बताया कि उसके पेट में दर्द हो रही है। फादर सेड दैट ही हैड ईटन मैनी व्हीट सीड्स विदाउट च्यूइंग प्रॉपरली। तो उसके फादर ने बताया कि आपने बहुत सारे व्हीट सीड्स जो हैं बिना चबाए खाए हैं। फूड शुड ऑलवेज बी ईटन बाय च्यूइंग इट प्रॉपरली। खाना हमेशा जो है अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। बाय डूइंग सो देयर विल बी नो स्टमक एक। ऐसा करने से कभी भी पेट में दर्द नहीं होता एंड नो वॉमिटिंग, और कभी भी हमें वॉमिट्स नहीं होती। वी शुड सिट स्ट्रेट वाइल टेकिंग मील्स। हमें खाना खाते समय बिल्कुल सीधे होकर बैठना चाहिए। इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव एनर्जी टू आर बॉडी। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी ग्रोथ। प्रोटीन की हेल्प से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। विटामिन एंड मिनरल्स सेव आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। वी गेट विटामिन डी बाय सिटिंग इन द सन। और सूरज की रोशनी में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा और फिर आपने देखा कि कैसे हमारा खाना जो है डाइजेस्ट होता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि हमें खाना हमेशा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जो जब खाना चबा कर नहीं खाया जाता उसकी वजह से हमें पेट में भी दर्द होता है और हमें वॉमिट्स भी आ सकती है। Thanks, have a nice day.